जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, काली मिर्च केवल रसोई घर में मसाले का या स्वाद का ही सामान नहीं है। काली मिर्च संकट निवारण के लिए, रोग दोष निवारण के लिए यह बहु उपयोगी मानी जाती है। ऋषि मुनियों ने इसका इसीलिए रसोई घर में प्रवेश किया है। अब दोस्तों, आज हम काली मिर्च का ऐसा आपको प्रयोग बताएंगे कि आपके ऊपर अब किसी की तंत्र बाधा मंत्र बाधा किया कराया कोई असर नहीं करेगा। और दोस्तों, यदि आप कहीं चले भी गए और आपको लगता है भय डर, तो आपको किसी प्रकार की कोई विपत्ति आएगी ही नहीं। बड़ा आसान सा प्रयोग हुआ करता है। इस प्रयोग को रविवार और बुधवार सप्ताह में 2 दिन कर लें, और 2 दिन ही यदि आप करते रहें, तो जब तक आप करते रहेंगे, आपको कोई बाहर का तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रियाएं किया कराया असर ही नहीं करेगा। दोस्तों, बड़ा ही चमत्कारी प्रयोग है ये, आप इसे करके देखना। अब यह ना पूछना कि कितने दिन तक करें, जब तक आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं करते रहें। 2 दिन करना है और बड़ा आसान प्रयोग बता रहा हूं। आप अपने पूर्व की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं और अपने बाएं हाथ पर यानी उल्टे हाथ थोड़ी सी बभूति रख लें। अब बभूति आपके पास नहीं है, वैसे तो सब घरों में मिल जाया करती है, बहुत से अपने किसी भी सिद्ध स्थान से ले आते हैं, लेकिन नहीं है। अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, जरा सा ले लें, जरा सा ले करके हथेली पे रख लें और अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से यानी सीधे हाथ के अंगूठे से इसे इस प्रकार से रगड़ते रहें बस। और जब ये रगड़ते रहेंगे, तब आपने यह मंत्र बोलना है जो मैं बोल रहा हूं, और इस मंत्र को 7 बार आपने बोलना है। 7 बार बोलने के बाद आपने इन काली मिर्चों को खा लेना है। दोस्तों, ज्यादा बहुत है तो उसे कहीं भी डाल सकते हैं, अपने घर में कहीं डाल दो, ज्यादा बहुत ही डाल ली तो, लेकिन थोड़ी ही लें कि जो केवल और केवल काली मिर्च पर लिपट जाए, तो उतनी ही है तो आप खा लें। यह प्रयोग आपको सुबह सुबह करना है। सुबह सुबह करके इस प्रयोग को, इन काली मिर्चों का सेवन करना है रविवार को और बुधवार को। अब यह जो मंत्र 7 बार पढ़ना है, मैं इस मंत्र को बता देता हूं। यह मंत्र आपने काली मिर्च रगड़ते हुए पढ़ना है। हर बार 2 काली मिर्च का सेवन करना। दोस्तों, मंत्र है ओम नमः चंडी काली का दंष्ट्रा दशन भासुरा मनसा युक्त है ध्यायामी रक्ष रक्ष परमेश्वरी। आप इस मंत्र को 7 बार पढ़ लेना और इन काली मिर्चों का सेवन कर लेना।
जब तक आप करते रहेंगे, बाहर की कोई क्रिया आप पर असर नहीं करेगी। और यदि क्रिया पहले की किसी की हुई है और आप में है लगता है, तो वह भी दूर होने लग जाएगा। बड़ा ही परीक्षित प्रयोग है। अच्छा लगता है दोस्तों, अपने यार दोस्तों को जरूर बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शीश फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।